एवरीवन, सो वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसमें चैप्टर का थोड़ा सा शॉर्ट में ओवरव्यू लेंगे, देन हम एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होती है उसके टू पार्ट से डिवाइड होती है। फर्स्ट वन है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, सेकेंड वन है गैस इन अ लिक्विड। टू टाइप से हो सकती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गैस इन अ लिक्विड, गैस इन अ लिक्विड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन है हेनरीज लॉ, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ और इसके बेसिस पे एमसीक्यूज भी अच्छे पूछे जाते हैं। एंड सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड। फर्स्ट वन है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जो फर्दर डिवाइडेड है राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ पार्शियल पेपर पार्शियल प्रेशर दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज हैं। इन पे भी मोस्टली राउल्स लॉ पे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड वन है राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एंड नाउ सेकेंड सेकेंड हेडिंग इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू टाइप से हो सकते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज आइडियल सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और जो भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। सेकेंड वन है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जाम्पल हैं एथेनॉल वाटर मिक्सचर, एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं HNO3 टू H2O मिक्सचर। लास्ट वन है एबनॉर्मल मासेस। एबनॉर्मल मासेस टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड वन है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। इसमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर है ये, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो चलिए अब हम आगे एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, टू सॉल्यूशंस ए एंड बी हैव पी नॉट ए रेशियो पी नॉट बी इज इक्वल टू 1:3 एंड हैव मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन 1:3। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर इज, चलिए इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 3। रेशियो दे रखा है इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 4। इसे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.25। देन ऑप्शन ए 0.33, ऑप्शन बी 0.25, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंड वन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180 ग्राम मोल इनवर्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, वेयर केएफ ऑफ फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86 किलो केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसमें भी हमें फॉर्मूला लगाना होगा। पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। WB is equal to 60 gram, MB is equal to 180 gram mole inverse, value दे रखा है। W is equal to 250 gram, then KF is equal to 1.86 kg mole inverse, right? Now del TF is equal to KF multiply WA upon M, B multiply 1000 upon WA, value put karenge, KF is equal to 1.86
मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 16 एम अपॉन 180 एम बी इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 1000 डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 250। नाउ इसे सॉल्व करेंगे देन 1.86 मल्टीप्लाई 0 से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0.62 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू 2.48। नाउ ऑप्शन नहीं, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल टी एफ फाइंड आउट क्या करना था, डेल टी एफ जो कि फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू freezing point of solvent, right? Now del TF is equal to 273 minus 2.48 is equal to 270.67 Kelvin। यहाँ पे इक्वल है माइनस 270.67 Kelvin। ओके 270.60 Kelvin यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आ 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 20% सॉल्यूशन ऑफ एक्स एट सेम टेम्परेचर, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। इसमें भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एम वन इज इक्वल टू एम टू वेयर एम वन एंड एम टू आर मोलैरिटीज, एम वन एंड एम टू आर मोलैरिटीज। देन 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 20% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स। हमें क्या पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। 10 अपॉन में यूरिया 60 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 100 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0, 20 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन 100 राइट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स। हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए ब्रास ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी ऑल ऑफ देम कंटेन कॉपर, ऑप्शन सी ऑल ऑफ देम आर होमोजेनस मिक्सचर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन आंसर होगा ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, ऑप्शन ए ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। हमें क्या बताना है इसमें कि लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, इसमें से लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन कौन है, तो
ऑप्शन ए है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑप्शन बी है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2 गैस, एंड ऑप्शन सी इज CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर, ऑप्शन डी इज NH3 डिजॉल्व इन वाटर, देन ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2 गैस, दिस इज द लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्दर क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन फॉर्म्स सॉल्यूशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, हाइड्रोजन फॉर्म्स सॉल्यूशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, देन ऑप्शन ए है Fe, ऑप्शन बी इज Hg, ऑप्शन सी इज Pd एंड ऑप्शन डी इज Au, देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, H2 फॉर्म सॉल्यूशन विद Pd। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम अमलगम इज सॉल्यूशन ऑफ, ऑप्शन ए सॉलिड इन लिक्विड, ऑप्शन बी लिक्विड इन सॉलिड, ऑप्शन सी लिक्विड इन लिक्विड, ऑप्शन डी सॉलिड इन सॉलिड, देन लिक्विड इन सॉलिड इज द राइट ऑप्शन, सोडियम अमलगम इज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, रिलेटिव लोडिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज अ पॉलीग्रेफिक प्रॉपर्टी बिकॉज, रीजन दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है कि इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सेकेंड है इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ऑप्शन थर्ड है इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन फोर्थ है इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, किस पे पॉलीग्रेफिक प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट डिपेंड्स अपॉन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 10% सॉल्यूशन W/W ऑफ ग्लूकोज मीन्स, ऑप्शन ए 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बी 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, सी 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, ऑप्शन डी 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 10% सॉल्यूशन W/W ग्लूकोज मीन्स क्या होता है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। क्वेश्चन नंबर 10, 10% सॉल्यूशन B/B ऑफ एथेनॉल मीन्स, ऑप्शन ए 10 ml ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व इन 10 ml ऑफ वाटर, ऑप्शन बी 10 ml ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर, ऑप्शन सी इज 10 ml ऑफ वाटर इज मिक्स्ड विद 90 ml ऑफ एथेनॉल, ऑप्शन डी इज 10 ग्राम ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व इन 10 ml ऑफ वाटर, देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 ml ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर एंड 90 ml एंड 10 ml मिक्स होकर क्या होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन इज, कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन इज ऑप्शन ए 3.62% W/W। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, द कोलेंट यूज्ड इन कार रेडिएशंस विच एक्ट एज एंटी फेज इज, ऑप्शन ए इज द राइट, 35% इथाइलिन ग्लाइकोल B/V इन वाटर, 35% B/V ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर इज यूज एज एंटी फ्रीज इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, द
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 35% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एक्वस सॉल्यूशन इज ए 273 के, बी 255.4 के, सी 265.4 के, डी 250 के. नाउ ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 255.4 के. इसे हम सॉल्व करके देखेंगे. डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बेस बी अपॉन एम बेस बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए. देन डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू 1.86 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी इज 35 एम बी इज 62 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इज इक्वल टू सोल्व करेंगे. फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 273.15 माइनस 16.5. इज इक्वल टू प्रेस करेंगे 257 कैल्विन. क्लोज टू 255.4 कैल्विन. नाउ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. 5% aqueous solution of H2O W upon V means option A 5 gram of H2O2 in 100 ml of solution, option B 5 gram of H2O2 in 100 gram of water, option C 5 gram of H2O2 in 95 gram of water, option D 5 gram of H2O2 in 95 ml of H2O2. Then option A is the right, 5 gram of H2O2 in 100 ml of solution. 5% W upon V means 5 gram of solute is dissolved in enough water so that total volume of solution is 100 ml. Question number 15. The amount of dissolved oxygen in sea water is option A hai 5.8 ppm, option B is 5.8% by mass, option C is 3.8% by volume, option D is 5.8 ppb. Now 5.8 ppm is the correct option. Question number 16. In internal solution having three components, which of the following is true? Which of the following is true? Then option A is XA plus XP plus XC is equal to 1. XA plus XP multiply XB multiply XC is equal to 1. Option C XA minus XB minus XC is equal to 1. Option D is XA plus XB minus XC is equal to 1. Now ternary solution having three components. So XA plus XB plus XC is equal to 1. Option A is the correct answer.